21 जनवरी मुरादाबाद में होगा श्री श्याम बाबा का संकीर्तन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित एवरग्रीन कंपाउंड में 21 जनवरी 2023 को श्री बाबा श्याम का संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से बाबा श्याम का भव्य दरबार भक्तों को दर्शन देने के लिए पहुँचेगा। शाम 6 बजे से गणेश वंदना व बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित की जाएगी। तो श्याम बाबा के संकीर्तन में आगरा से प्रसिद्ध भजन गायिका गौरी साक्षी और मुरादाबाद से सचिन अलबेला द्वारा बाबा की कथा में भजनों का गुणगान किया जाएगा और साथ ही बाबा के विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर श्याम मासिक भंडारा परिवार ने सभी भक्तों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भक्तगढ़ पहुँचे और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल मदान है। जी, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ को लेकर? ये हमारा पिछले 22 से श्री श्याम मासिक भंडारा परिवार जो हर द्वादशी को भंडारा करता है मानपुर गली नंबर 2 में, जो दो जनों ने एक परिवार शुरू करा था, आज उसमें उसके मेंबर 70 है, 70 के करीब है। तो इसी के लिए एक साल हमारा पूर्ण होने पर एक बाबा श्याम के संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें गौरी साक्षी आगरा से और सचिन अलबेला मुरादाबाद से आ रहे हैं और दिल्ली से दरबार आ रहे हैं बबलू भाई लेके। क्या कहना चाहेंगे शहरवासी? मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह कलयुग के बाबा ये हमारे खाटू श्याम जी हैं, इनका दिन पे दिन चलन बढ़ता जा रहा है और हर जगह पूजे जा रहे हैं, और मैं शहरवासियों ये अपील करूँगा कि कृपया आप थोड़ा सा समय निकाल के 21 जनवरी 2023 को एवरग्रीन कंपाउंड में जरूर पहुँचें और बाबा श्याम के दर्शन करें। भव्य दरबार दिल्ली से चल के आ रहा है। जेबी हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।